पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं जहां रोज चमत्कार। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। सुंदर से माँ के धाम की महिमा कमाल है, मंदिर ये देवी माँ का सबसे विशाल है। पर्वत त्रिकुट के शीश पे माता का सिंहासन, जयकार माँ के बोल के चलती यहाँ पवन। अंबर के बादल देते हैं माता को सलामी, पहरा दे हनुमान भैरो करते निगरानी। दर्शन की सबके भाग में घड़ियां नहीं आती, दर्शन उन्हें मिलता जिन्हें माँ भेजती पाती। द्वारे पे माँ के लगती लंबी कतार है, दर्शन कब होगा सबको इंतजार है। जीवन है जिसका नाम वो है कच्चा सा धागा, जो माँ के द्वार जा न सके वो है अभागा। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। सूरज की पहली किरण होती है जो सिंदूरी, कहती है पता माँ को है मजबूरियाँ तेरी। क्या सोच रहा तू कि ये पैसा है जरूरी, पैसे ने बना रखी है माँ बेटे में दूरी। इस पाप की गठरी को परे रख के तू आजा, आजा तू खुला है भवानी माँ का दरवाजा। मील 18 ये जम्मू से दूर है, दर्शन जो माँ का पहला जग में मशहूर है। कन्याओं के संग माता यहाँ खूब थी खेली, इस स्थान को कहते हैं भक्तों कौल कंदोली। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। यहाँ से 4 मील जब आगे जाओगे, दर्शन जो माँ का दूजा है उसको पाओगे। दुर्गा की एक भक्त जिसका नाम था देवा, करती थी सच्चे मन से सदा मैया की पूजा। दर्शन उसे देने को एक दिन आई थी माई, तब से ये जगह बन गई भक्तों देवा माई। रास्ता बताऊं सबको तेरा वैष्णो रानी, हो जाए कोई भूल क्षमा करना भवानी। माता की जय जयकार होती कटरा धाम पे, होती यहाँ सुबह है जय माता के नाम से। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। गिनता नहीं जो राह में कितनी लगी ठोकर, जाता है माँ के द्वार से वो झोलियाँ भर कर। तुम यात्रा से पूर्व यहाँ पर्ची कटाना, जयकारा माँ का बोल के फिर यात्रा करना। पर्ची जो कटाई है इसे ध्यान से रखना, ऊपर भी जांच होगी इसे को नहीं देना।
बच्चे हैं छोटे वृद्ध या ना जा सके चलकर, उनके लिए मिलते हैं यहाँ भाड़ पे खच्चर। खच्चर पे भी ना बैठ सके जिसकी अवस्था, उनके लिए यहाँ है पालकी की व्यवस्था। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। कटरा से थोड़ी दूर है मशहूर ये मंदिर, कहते हैं सारे इसको यहाँ भूमि का मंदिर। माता के परम भक्त जिनका नाम था श्रीधर, करते थे माँ का ध्यान सुबह शाम जो अक्सर। रहता था उनके मुख में सदा मैया का वर्णन, कन्या का रूप धार दिए माता ने दर्शन। कहने लगी कर भक्त भंडारे का आयोजन, आस पास जाके दिया सबको निमंत्रण। देने निमंत्रण भोज का वे सबको चल पड़े, रस्ते में भैरो संग कुछ साधु उन्हें मिले। बोले श्रीधर है बाबा कल मेरे घर आना, भंडारा माँ का कर रहा हूँ भूल न जाना। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। अगले दिन प्रातः काल से श्रीधर जी के घर पर आकर इकट्ठा होने लगी भीड़ भवन पर। भैरोनाथ आए, गोरखनाथ जी आए, दोनों के संग उनके कई शिष्य भी आए। भोजन मिलेगा आज सभी जन थे प्रसन्नचित, किंतु बिना कन्या के हुए श्रीधर चिंतित। इतने में लिए हाथ कमंडल माँ पधारी, वो दिव्य कन्या लग रही थी सबको ही प्यारी। देने लगी कमंडल से सबको वो भोजन, ये देख के श्रीधर का प्रसन्न हो गया था मन। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। आई वो देने भोजन जब भैरों के पास, वो कहने लगा चाहिए मदिरा व मुझे मांस। बोली वो कन्या योगी जी ब्राह्मण के द्वार से, जो कुछ भी आपको मिला स्वीकारो प्यार से। कन्या को पकड़ने लगा वो विनती न माना, कन्या भी तुरंत हो गई तब अंतर ध्याना। देखा उसे भैरव ने अपने विद्या योग से, वो पवन रूप धार चली त्रिकुट और है। इस दिव्य कन्या को चला तब भैरव पकड़ने, वो मूढ़मती उसका पीछा लगा करने। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ये भूमि का मंदिर वही तो स्थान है, भोजन खिलाया सबको कन्या रूपी मात ने। यहाँ से डेढ़ मील जब आगे जाओगे, तो रास्ते में दर्शनी दरवाजा पाओगे। माँ के भवन का मिलता यहाँ पहला नजारा,
सब भक्त लगाते हैं यहाँ आके जयकारा। माता का भैरोनाथ ने जब पीछा किया था उस वक्त माँ के साथ साथ वीर लंगूर था। जिस जगह के प्यास ने लांगुर को सताया माता ने पत्थरों में यहाँ तीर चलाया। ले अंबे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। लगते ही पाण निकली जो जल की धारा, वो धारा यही है जिसे कहते बाण गंगा। माता ने इसमें केश धो के उनको संवारा, इस कारण इसका नाम दूजा है बाल गंगा। आगे जो चलोगे रोम रोम खिलेगा, बाण गंगा से जो पार करे पुल वो मिलेगा। पुल के करीब ही है एक माता का मंदिर, करते हैं कई भक्त यहाँ स्नान भी रुक कर। होता है यहाँ से ही शुरू सीढ़ी का रस्ता, इसकी बगल से जा रहा एक कच्चा भी रस्ता। माँ अम्बे नाम लेके पौड़ी पौड़ी चढ़ो जी, शर्माओ ना सब मिलके जय माता की कहो जी। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। माता की धुन में खो के जो चलता चला गया, बिन मांगे माँ के द्वार से मिलता चला गया। होगा ये चमत्कार भी मैया के नाम से, जैसे चढ़ाए पौड़ी माँ बाहों को थाम के। आता है वो स्थान जहाँ माँ के श्री चरण, एक शिला पर बने हैं झूलो ये श्री चरण। माता ने पीछे मुड़ के इस स्थान से देखा, इस कारण इसको कहते हैं चरण पादुका। भैरो है कितनी दूर ये अंदाजा लगाया, फिर इसके बाद माँ ने कदम आगे बढ़ाया। ले अंबे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। है आदि भवानी माँ वो शक्ति चमत्कारी, जिसने ये चरण छू लिए तकदीर सवारी। मस्तक झुका लो प्रेम से भक्तों चले आओ, जो कुछ भी चाहते हो माँ के द्वार से पाओ। आएगा भवन जिसकी बड़ी शान है न्यारी, इस स्थान को कहते हैं सभी याद कुमारी। गर्भ जून जिसका नाम है वो गुफा यही है, भवानी माँ इस गुफा में 9 माह रही है। जैसे ही भैरोनाथ गुफा द्वार पर आया, तब सामने उसने लांगुर वीर को पाया। ले अंबे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। करने लगा लांगुर युद्ध भैरवनाथ से, पर्वत भी जिसको देख लगे भैंसे कांपने। लांगुर ने लाख रोका भैरव बास ना आया, तब माँ ने तंग आके त्रिशूल चलाया। जब
करके शीश उसका गिरा दूर घाटी में, और धड़ उसका आन गिरा माँ के चरण में। तब भैरव ये कहने लगा के हे महामाया, हाथों से तेरे अंत हुआ जन्म का माया। होते कपूत पूत पर न माता कुमाता, कर दे मुझे क्षमा है जगदीश्वरी माता। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। तूने क्षमा किया न तो मैं पापी रहूंगा, और आते काल सबकी ही मैं निंदा सहूंगा। उसके वचन से माता का दिल ही पिघल गया, करुणा वाली के मुख से वचन ये निकल गया। करती हूँ क्षमा आज तेरे पाप में भारी, देती हूँ वचन तू बनेगा मोक्ष अधिकारी। आते समय जब लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा करेंगे। तूने मुझे माता कहा है जग भी कहेगा, बच्चों के जैसा सबसे मेरा नाता रहेगा। दर्शन के मेरे बाद जो ना तुझको पूजेगा, उसको मेरे दर्शन का कभी फल न मिलेगा। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। पर्वत है एक और दूजी और है खाई, चढ़ना जरा संभल हाथी मथे की चढ़ाई। परेशान ना होना तू देख पाँव के छाले, कष्टों से ही खुलते हैं नसीबों के भी ताले। चढ़ करके हाथी मथे से जब पार आओगे, तुम भक्तों खुद को फिर सांझी छत पे पाओगे। भक्तों है शुरू होती उतराई यहाँ से, जिह्वा करेगी माँ की जयकार यहाँ से। आता है इसके बाद वो द्वारा निगाह में, मिलो चले आए हैं सब जिसकी चाह में। कुछ खा लो पी लो थोड़ा, सुस्ता लो कुछ घड़ी, दर्शन की आने वाली है पावन वो शुभ घड़ी। दर्शन से पहले कर लो स्नान यहाँ पर, रुक जाती जैसे सांस शीतल जल पड़े तन पर। स्नान जिनमें किया वे सब वस्त्र त्याग दे, कोरे जो वस्त्र पास में है तन पे धार ले। अब तक नहीं गए हैं वो ध्यान देस पर, मिलता है यहाँ दर्शन का आपको नंबर। भक्तों के लिए कमरे बने यहाँ आरक्षित, सामान जमा होता जहाँ सबका सुरक्षित। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। कुछ ऐसा नजारा है थकते नहीं नयन, लगता है स्वर्ग जैसा अम्बे तेरा भवन। मिलती है भवन पे सारी पूजा की सामग्री, लहरा रही है हर तरफ लाल ही चुनरी।
मैया की चुनरी प्रेम से तुम सिर पे बांध लो और नारियल बाहर ही अपना जमा करो। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार है, बारी कब आएगी ये सबको इंतजार है। संकरा है भवन द्वार, बढ़ो आधा लेट कर, ये द्वार ही है भैरव का शीश कटा धड़। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। पिंडी दरस से पहले भी एक स्थान पर पंजे बने हैं शेर के एक शिला पर। आता है अब वो दृश्य मैं कैसे करूं वर्णन, होता है पिंडी रूप में महामाई का दर्शन। आदर से माथा टेक न तुम माँ के चरण पर, खुलने में नसीबा नहीं लगता है पल भर। पूजा सामग्री लाए हो वो सारी चढ़ा दो, जिस जिस का चढ़ावा है आदर से चढ़ा दो। बैठी है काली माता सरस्वती साथ में, जलती है माँ की ज्योत बिना तेल बाती के। माँ करती क्षमा छोटी बड़ी सारी भूल भी, एक और धरा देखोगे माँ का त्रिशूल भी। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। अब माँ की आज्ञा को है हमने निभाना, दर्शन के लिए भैरव के मंदिर भी है जाना। मिलते हैं पुष्प मिलती धूप बाती है यहाँ, काला धागा भी मिलता है भैरव नाम का यहाँ। घाटी में दूर जाके बना भैरव का मंदिर, मंदिर में पड़ा है भैरव का कटा हुआ सिर। श्रद्धा से धूप बाती भैरव पे चढ़ाना, आदर से हाथ जोड़ के तुम सिर को झुकाना। माता के पुण्य धाम की ये यात्रा सारी, पूरी करे भवानी मैया कामना तेरी। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं यहाँ रोज चमत्कार। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। अब बात सुनो त्रेता युग की एक पुरानी, इतिहास है ये अम्बे माँ की सच्ची कहानी। माँ ने कहा है दानव जब सिर उठाएंगे, तब तब मेरे हाथों से वो मुँह की खाएंगे। ये उस समय की बात है जब रावण कुंभकरण, उपद्रव मचा रहे थे ताड़का और खर दूषण। तब भगवती की शक्तियाँ एकत्र हो गईं, फिर जिनके योग से एक शक्ति प्रकट हुई। माँ भगवती की शक्तियों से शक्ति जो आई, उसे देख के प्रसन्न हुई वैष्णो माई।
बोली वो शक्ति मात बता क्यों है बुलाया, वो काज बता जिसके लिए मुझको जन्माया। बोली ये भवानी अब अपना काज तुम सुनो, तुम धर्म का प्रचार और रक्षा तुम ही करो। देवी ने विष्णु वंश से तब जन्म ले लिया, राजा सागर ने नाम उसका रखा त्रिकुटा। इस कन्या ने तब वैष्णव धर्म शुरू किया, हर ओर जाके धर्म का प्रचार खुद किया। थोड़े ही समय बाद ये प्रसिद्ध हो गई, अपार सिद्धियों से वो संपन्न हो गई। आते थे भक्त दूर से दर्शन के वास्ते, संकट से बचने के ये बताती थी रास्ते। एक दिन बोले के आज्ञा अपने पिता से, करने लगी तपस्या सागर के तट पे। एक दिन उसे भवानी दर्शन दे बोली, तू राम नाम रट ले अब सुन ले वैष्णवी। तब देव तप करने लगी राम नाम का, बस मुख में सुबह शाम उसके राम नाम था। सीता हरण के बाद संग वानर सेना के, आए पड़ाव डालने राम सागर के तट पे। देवी ने कहा साधना जप तप मेरा है राम, करती हूँ प्रभु आपको मैं शत शत प्रणाम। कहने लगी पति है मैंने आपको चुना, इस कारण कर रही हूँ प्रभु मैं ये तपस्या। बोले ये राम बात सुनो मेरी है देवी, इस जन्म में पहले ही है सीता मेरी पत्नी। किंतु तुम्हारे तप का फल तुमको मिल सके, आऊंगा बदल भेष में पास तुम्हारे। देवी अगर जो तुम मुझे पहचान जाओगी, इस जन्म में तुम मेरी पत्नी कहाओगी। तब राम चल पड़े देवी को बोल के ऐसा, और राम नाम जपने लगी देवी त्रिकुटा। लंका को जीत राम दिए एक उदाहरण, लौटे तो कीन्हा रूप एक साधु का धारण। सन्मुख गए त्रिकुटा देवी के वो घड़ी आई, पर देवी इस वेश में पहचान न पाए। कहने लगी है महात्मा आप कैसे पधारे, किस कारण आए हैं जोगन के द्वारे। तब राम जी ने असली रूप अपना दिखाया, सब भाग्य की करनी है इसे किसने मिटाया। कहने लगे तब राम सुनो देवी वैष्णवी,
कलयुग में बनोगी तुम ही पत्नी हमारी, ये कथा हमें देती इस बात की शिक्षा, लेता है समय आके ऐसी सबकी परीक्षा। ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। आऊंगा कल की रूप में पृथ्वी पे दोबारा, तब नाम जुड़ेगा मेरे ही साथ तुम्हारा, हर और डंका बजता तेरे नाम का होगा, कलयुग में तेरा नाम माता वैष्णो होगा। तब से ही देवी माता यहाँ तप में लीन है, सारा ही ब्रह्मांड जो उनके अधीन है, करती है अपनी लीला अक्सर वो निराली, गौरी कभी दुर्गा कभी मनसा कभी काली। नैना है चिंतपूर्णी ब्रजेश्वरी माता, ज्वाला है चामुंडा है शाकंभरी माता। ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। दुर्गा के जाप में जो कोई ध्यान लगा ले, माँ खोल देती उसके मुकद्दर के ही ताले। अब तुमको सुनाते हैं कथा मात ज्वाला की, मंदिर का जिसके दृश्य है सबसे निराला जी। जलती है नौ रूपों में मेरी मैया की ज्योति, लौ ज्योति की मगर कभी भी कम नहीं होती, ये बात पुरानी है यहाँ एक था राजा, रहती थी जिसके राज में सुखी सभी प्रजा। एक रोज एक ग्वाले ने आके उसको बताया, पर्वत पे ज्योति जलती है फिर उसको सुनाया। तब रात को देवी ने चमत्कार दिखाया, सोया जब राजा उसके स्वप्न में आया, कहने लगी राजन यहाँ मेरी जीवागिरी, इस कारण जलती है यहाँ दिव्य ज्योति। आस्थान यही है मेरा तू मुझको जगा दे, मंदिर तू मेरे नाम का छोटा सा बना दे। तब राजा ने ज्वाला का मंदिर था बनाया, की पूजा अर्चना छत्र माप चढ़ाया। वनवास में अपने पांडव यहाँ पे आए, पूजा उन्होंने माँ को अर्जुन चवर डुलाए। ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। मशहूर हो गया तभी से ज्वाला जी का नाम, भक्तों के आप बनने लगे सारे बिगड़े काम। ध्यानु ने ज्वाला माँ पे अपना शीश चढ़ाया, माता ने प्रकट होके तुरंत उसको जिलाया। बोली ये अंबे माता कोई वर तू मांग ले, बोले ये ध्यान कर दया तू है मेरी माते, हर आदमी का मोह जीवन से हट नहीं सकता, हर कोई तुझे शीश भेंट कर नहीं सकता।
जो नारियल चढ़ाए माँ उसकी भी प्रार्थना, मैं विनती ये करता हूँ मैया प्यार से सुनना, बोली ये देवी जो मुझे नारियल चढ़ाएगा वो भक्त अपनी पूजा का फल पाएगा। मंदिर की पहली ज्योत जो है महाबली है, ये भक्तों को अपने कष्ट से मुक्ति दिलाती है। दूजी जो ज्योत है वो माता महामाया, विख्यात इसका नाम है वो अन्नपूर्णा। तीजी जो ज्योत माँ की है वो चंडी है माता, सब शत्रुओं का नाश इसके नाम से होता। चौथी जो ज्योत है वो हिंगलाज भवानी, हर बाधा टाल देती है माँ भाग्य की रानी। पांचवी जो ज्योत है वो विंध्यवासिनी माँ है, पापों से मुक्त करती मुक्त दायिनी माँ है। छठी जो ज्योत है वो महालक्ष्मी की है, ये मैया धन धान्य सुख वैभव देती है। सातवीं जो ज्योत विद्यादायिनी सरस्वती, ये मूढ़ को भी पल में विद्वान है करती। ये झूठ नहीं सच है विश्वास तुम करो, ना मानते तो कालिदास याद तुम करो। पत्नी से निंदा पाके की शारदा पूजा, था मूढ़ मति लेकिन विद्वान वो हुआ। आठवीं जो ज्योत है वो माता अंबिका की है, अंतिम जो ज्योत है वो माता अंजनी की है। जहाँ सती के अंग गिरे शिव भी वहाँ है, शिव भी वहीं रहते हैं, शिव की शक्ति जहाँ है। जिस रूप में भी शिव ने अवतार लिया है, इतिहास साक्षी है मां ने साथ दिया है। महाकाल अवतार में महाकाली मां बनी, तारकेश्वर अवतार में वो तारा माँ बनी, भुवनेश्वर अवतार में भुवनेश्वरी बनी, षोडश बने जो शिव माता षोडशी बनी। भैरव बने जो शिव माता बनी भैरवी, छिन्मस्तक अवतार में छिन्मस्तिका बनी। इस युग में भवानी के नौ मुख्य है दरबार, जाते हैं भक्त जिनमें हर दिन ही बार बार। नैना देवी चिंतपूर्णी है, ज्वालामुखी है, ब्रिजेश्वरी वैष्णो मैया चामुंडा देवी है। मनसा देवी शाकंभरी और कालिका देवी, भक्तों की अपने कामना को पूर्ण कर देती। नवरात्रों में लगता है यहाँ भक्तों का मेला,
जय रोहिणी जय सुभद्रा तेरी जय हो माँ कैला। तू शक्ति का अवतार है महिमा तेरी न्यारी, मशहूर है जग में तेरी शेरों की सवारी। जो पूजा तेरी करके कंज को बिठाता, वो भक्त जीवन सागर से है पार हो जाता। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। सती के शव के टुकड़े विष्णु ने थे जब किए, जिन स्थानों पे गिरे वो शक्ति पीठ बन गए। कलकत्ते तेरे केश गिरे कालिका बनी, आसाम गिरा मुख तेरा गुमाख्या बनी। जहाँ शीश गिरा तेरा शाखंबरी बनी, जिस पर्वत तेरे नयन गिरे नैना माँ बनी। जहाँ चरण गिरे तेरे चिंतपूर्णी बनी, ज्वालाज जिह्वा गिरी ज्वाला माँ बनी। त्रिकुट पे तेरे बाजू गिरे वैष्णो माँ बनी, जहाँ हाथ गिरे तेरे हिंगलाज तू बनी। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। अकबर ने सोने का तुझे था छत्र चढ़ाया, तूने माँ अहंकार का अहंकार मिटाया। करती है अपने भक्तों के माँ पूरे तू सपने, समझे किसी को गैर नहीं सब तेरे अपने। तू अपने भक्तों की सदा ही लाज बचाती, धन्ना का पत्थर तू पानी में तिराती। करते रहे सदा हम्मा वंदन तेरा, सताक्षी रूप से होता मां पूजन तेरा। जिसने जो माँ से मांगा मेरी माँ ने है दिया, भक्तों को माँ के दर से सदा प्यार है मिला। बंधनों से मुक्त करती भव मोचनी माता, भव्या है तू अनंता है कात्यायनी माता। है अष्टभुजी माँ का मेरी रूप निराला, केशों में अंधेरा माँ की पलकों उजाला। धरती पे अन्याय ने जब उठ के पुकारा, मैया ने रक्त बीज से दानव को है मारा। महिषासुर शुंभ ने जुल्म जो ढाया, माँ आगे बढ़ी पल में इन्हें मार गिराया। मेरी लाटा वाली जोता वाली शेरा वाली माँ, मेरी करुणा वाली मेहरा वाली मंदिरा वाली माँ। जिस घर में माँ की जोत जली है संवर गया, उपवास व्रत जो माँ का करे समझ तर गया। हर लेती सबके मन की हर एक पीड़ा भवानी, करती है भिखारी को राजा क्षण में कल्याणी।
आए हैं पहली बार मैया तेरे द्वार पे, बलिहारी है भवानी माँ हम तेरे प्यार पे, नैनों में बस गई है तेरी प्यारी सी सूरत और दिल में रम गई है तेरी मोहिनी मूरत। धन धान्य से ये तेरा घर बार भरेगी, पैसों की मधन लक्ष्मी बौछार करेगी, मैया तेरे दरबार में मन सबका खो गया, आया जो वैष्णो धाम भवानी का हो गया। ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ओ माता अम्बे आपका वाहन न जाने, पूजा विधि हम आपकी नादान न जाने, पापी है पाप करते हैं करते नहीं है जाप, हमने सुना है पाप की हरता है मैया। एक आप हो भलाई में जीवन लगा दिया, एक हम है बस बुराई में सब कुछ गवा दिया, पूजा हमारी जैसी है स्वीकार कीजिए, सब दूर बुरे मन के ये विचार कीजिए। भूले हमारी भूल जाना जग की पालनहार, आए शरण तिहारी मैया अब लगा दो पार। ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। जिसने हमें भवानी माँ का मार्ग दिखाया, आभारी है जिसने भी कथा सार सुनाया, उन वेद पुराणों को करते हैं हम नमन, जिनसे मिली है हमको वैष्णो यात्रा की उमंग। कोशिश हमारी ये है भरे आप में लगन, नौ देवियों का दर्शन करें आप भी श्रीमन, पूजा विधि की रस्मों से हम अनजान हैं, अज्ञानी हैं हम आप सब तो बुद्धिमान हैं। करते हैं यही विनती सबसे हाथ जोड़ कर, कुछ छूट गया हो तो देना माफ हमें कर। ले अंबे